फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें, कोरोना काल में है बहुत जरूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश भर में कोहराम मचा रही है, लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं इसका नया स्ट्रेन फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, जिस कारण लोगों के फेफड़े डैमेज हो रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों में ऑक्सीजन की कमी की परेशानी आ रही है। ऐसे में लोगों को जरूरी है कि वे अपने फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए डाइट पर खास ध्यान दें। डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रख सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस बारे में। पहला है मुलेठी। इसमें विटामिन बी, ई, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम जैसे जरूरी तत्व तो पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। इसके साथ ही यह फेफड़े मजबूत करने में मदद करता है। इसके लिए आप मुलेठी का सेवन 3 से 5 ग्राम पाउडर के रूप में करें। अगला है तुलसी। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन जैसे जरूरी तत्व तो पाए जाते हैं, जो कि फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप हर रोज तुलसी के 4-5 पत्तों को चबाएं। अगला है दालचीनी। थायमीन, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम के गुणों से भरपूर दालचीनी फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। लौंग, यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। स्ट्रेस, बदन दर्द और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर लौंग हार्ट, फेफड़े, लिवर आदि को मजबूत बनाने में मदद करता है।